हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान के अंदर हमने पिछले वीडियोस में राज्य जो सरकार है उसके ऊपर हमने लेसन शुरू किया था, और राज्य सरकार के अंदर हमने पहले राज्य व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने अंतिम वीडियो में राज्य कार्यपालिका शुरू किया, जिसमें हमने राज्यपाल, उसकी नियुक्ति, चयन प्रक्रिया, उसकी कार्य एवं शक्तियां क्या क्या होती, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य कार्यपालिका के अंदर ही जो हम मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और क्या क्या इनकी कार्य शक्तियां होती है। तो देखते हैं राज्य कार्यपालिका के अंदर मंत्री परिषद। देखो क्या कहता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसके अंदर निहित है? मंत्री परिषद, मतलब राज्य के अंदर किसी भी प्रकार के कानून का निर्वहन करवाने का कार्य जो होता है वो मंत्री परिषद का होता है, और मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री को माना जाता है। अब मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेगा तथा तो उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्या होता है कि चुनाव होता है, तो विधानसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं उन सदस्यों में से जो बहुमत दल का जो नेता होगा उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा तथा फिर इस मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। चयन कैसे होता है? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा सदस्य संख्या का 15% रखा गया है। मतलब कि विधानसभा में जितने भी सदस्य चुनकर आते हैं उन सदस्यों का 15% रखा गया, किसके अनुसार? 91वें संविधान संशोधन के अनुसार। जैसे कि राज्य विधानसभा के अंदर सदस्यों की संख्या 100 है तो मंत्रियों की जो संख्या होगी वो 15 रहेगी, मतलब तो जितने भी विधानसभा सदस्य होते हैं उनका 15%, मतलब 15% जो है वो मंत्रिपरिषद के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है या मंत्रियों के रूप में उनको नियुक्ति दी जाती है। अब चयन जो होता है वो कैसे होता है? तो समस्त क्षेत्रों एवं वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व मिलता है। मतलब राज्य के संपूर्ण क्षेत्र और वर्ग जो है उनके लोगों को सही तरीके से, न्याय पूर्वक तरीके से उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनको मंत्रियों के रूप में नियुक्ति मिलती है। मतलब प्रत्येक क्षेत्र से तथा प्रत्येक वर्ग से किसी ना किसी को इसमें लिया जाता है मंत्रिपरिषद में। अपने ही दल से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है ताकि एक रूपता रहे, और मुख्यमंत्री जो है जिन मंत्रियों की नियुक्ति करेगा वो मंत्री लगभग उसको वो अपने ही दल से लेता है ताकि कोई भी कार्य करते समय क्या रहे, एक इकाई के रूप में वो कार्य करे, एक रूपता दिखाई देवे, किसी प्रकार का विरोध न हो, इसलिए वो अपने ही दल के जो चुनकर नेता जो विधानसभा में जाते हैं उनसे उनको वो मंत्रियों की नियुक्ति करवाता, उन्हीं में से उनको चुनता है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए मंत्री के लिए? तो विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो विधान परिषद का हो चाहे विधानसभा का हो, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य जरूर होना चाहिए। और अगर सदस्य नहीं है, फर्स्ट बात तो सदस्य होना आवश्यक है, और अगर हमने मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो क्या होगा? तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना आवश्यक है, मतलब 6 माह के भीतर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। फिर कार्य विभाजन क्या होगा, कैसे किया जाएगा? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों का कार्य विभाजन करता है। कार्य विभाजन करने का दायित्व तो राज्यपाल का होता है, लेकिन उसमें मुख्य सलाहकार होता है वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की सलाह से ही अलग अलग मंत्रियों को कार्यों का विभाजन किया जाता है, और प्राय एक मंत्री को एक ही विभाग दिया जाता है और आवश्यकता होने पर एक से अधिक विभाग भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकांशतया एक मंत्री को एक विभाग मिलता है। आगे मंत्रिपरिषद के गठन के अंदर हम बात करते हैं कि शपथ कैसे होती है। तो राज्यपाल जो होता है
सभी मंत्रियों को कर्तव्य पालन व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। दो चीजें याद रखनी है कि राज्यपाल जो है सभी मंत्रियों को कर्तव्य पालन और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। फिर मंत्रियों की श्रेणियां, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के अंदर हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद की 3 श्रेणियां बताई थी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो उसी प्रकार से राज्य सरकार में भी 3 श्रेणियां ही है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है तथा स्वतंत्र प्रभार होता है किसी भी विभाग का। राज्य मंत्री के अंदर भी कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और उप मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में यह कार्य करता है। तो वापस, कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण, राज्य मंत्री में कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मिलता है और उप मंत्री के अंदर कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है, कैबिनेट मंत्री की हेल्प करता है, कौन? उप मंत्री। फिर आगे बात करते हैं हम कार्यकाल की, तो राज्य जो मंत्रिमंडल है उसका कार्यकाल वैसे तो विधानसभा के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, लेकिन सामान्य तौर पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस कारण से राज्य मंत्रिमंडल जो है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का रहेगा। तो विधानसभा के विश्वास मत तक रहता है, सबसे पहली बात कि कार्यकाल जो होगा कहां तक रहेगा, जब तक विधानसभा का विश्वास मत उनको प्राप्त होगा, और सामान्य तौर पर विधानसभा का कार्यकाल के बराबर 5 वर्ष होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिमंडल पूरा जो होता है वो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वेतन व भत्ते की बात करें तो अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य विधानमंडल निर्धारित करती है कि मंत्रिमंडल का जो भी वेतन होगा वो अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये तो था मंत्रिमंडल का गठन, और अब हम आगे बात करते हैं मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों की। तो राज्य मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राज्य के संपूर्ण जो कार्य होते हैं वो मंत्रिमंडल के हिसाब से ही निर्धारित किए जाते हैं तथा उनको लागू किया जाता है। राज्य मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियां समझते हैं कि राज्य का मंत्रिमंडल ही महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। इनकी बैठक प्रायः सप्ताह में 1 बार, बाकी मुख्यमंत्री कभी भी बुला सकता है। बैठक व्यवस्था जो होती है वो सप्ताह में 1 बार निश्चित की गई है, बाकी मुख्यमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी बुला सकता है। और इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वह उसकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठतम मंत्री करता है। अगर मुख्यमंत्री उपस्थित है तो इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा, और अगर मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर कोई वरिष्ठतम मंत्री जो होगा वो ही उनकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल का कार्य राज्यपाल को सहायता व परामर्श बताया गया है, लेकिन व्यवहार में यही सर्वे सर्वा है। मतलब अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिमंडल का जो कार्य वो क्या बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता करना या परामर्श देना, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो संपूर्ण कार्यभार जो होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। सभी कार्य जो है मंत्रिमंडल के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो कह सकते हैं राज्यपाल दिखावे मात्र का है, बाकी संपूर्ण कार्यभार जो होता है वो मंत्रिमंडल के ऊपर होता है। अब मुख्य कार्य क्या है, तो पहला जो कार्य है वो याद रखना, शासन की नीति का निर्धारण, कि किस प्रकार से हमें शासन चलाना है, उन सब नीतियों का निर्धारण जो होता है वो मंत्रिमंडल के रूप में, मंत्रिमंडल के आधार पर किया जाता है। नीतियों का न केवल निर्धारण किया जाता है अपितु कार्य रूप में परिणित भी करती है। मंत्रिमंडल जो होता है केवल निर्धारण ही नहीं करता बल्कि उनको कार्य में या सुचारू रूप से जारी करने के लिए परिणित करते हैं, प्रयास करते हैं। दूसरा है उच्च पदों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श। अब राज्य के जितने भी उच्च पद है, जैसे कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, या उच्च अधिकारी की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देते हैं। फिर आगे विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही आते हैं, उन सदस्यों के प्रश्नों का या आलोचनाओं का जो उत्तर है उनको उस सदन में प्रस्तुत होकर देना पड़ता है। तो विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व भी कौन करते हैं? मंत्रिमंडल करते हैं। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का या आलोचनाओं का उत्तर उनके समक्ष उस सदन में उनको देना पड़ता है। कानून निर्माण का कार्यक्रम निर्धारित निश्चित करना,
विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे इसका निर्धारण भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है कि कौन सा विधेयक कब और कैसे प्रस्तुत करना है। बजट तैयार करना, राज्य की जो वार्षिक आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो वित्त वर्ष के प्रारंभ में बजट के रूप में वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थे मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य, जिसमें विधानसभा में जो है यह बजट का कार्य जो है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मुख्य कार्य क्या है, शासन की नीति का निर्धारण करना, उच्च पदों के नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देना, विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व करना, उनके आलोचना और उनके प्रश्नों का जवाब उस सदन में प्रस्तुत होकर देना पड़ता है, कानून निर्माण का कार्यक्रम सुनिश्चित करना है, कौन सा विधेयक का प्रस्तुत करना उसके बारे में, और वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा बजट तैयार करके प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा के अंदर। ये थे राज्य मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य। और अब आगे हम देखेंगे मुख्यमंत्री और उसके कार्य। तब तक के लिए धन्यवाद।